अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 201 के लेसन नंबर 40 को। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है, लैंग्वेज रिव्यू मैकेनिक्स। आउटलाइन देखते हैं, कैपिटलाइजेशन, इटैलिक्स, एब्रीविएशन, एक्रोनम्स, नंबर्स, इन्यूमरेशन, सिंबल, इक्वेशन, स्पेलिंग। सबसे पहले क्या है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जब आपने किसी लेटर को अपर केस में शो किया और बाकी लेटर को आपने लोअर केस में शो कर दिया। जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी बुक का नेम हो गया, किसी आर्टिकल का नेम हो गया, कोई आपने कल्चर, कोई इकोनॉमिक ग्रुप, कोई फॉर्मूला, कोई टॉपिक, इस तरह का अपनी चीज़ें जब आप इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी सेंटेंस में, तो आप उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज वर्ड में आप उसको शो करवाते हैं, यानी उसका जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, आप उसको कैपिटल करते हैं। उसके बाद क्या रूल फॉर कैपिटलाइजिंग मल्टीपल वर्ड टाइटल एंड प्रोनाउंस। क्या मल्टीपल वर्ड टाइटल और प्रोनाउंस को एक सब्जेक्ट में कैसे कैपिटल कर सकते हैं, कि जब एक चीज़ें एक साथ आ रही हैं, जैसे नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, या एडजेक्टिव आ रहे हैं, एडवर्ब आ रहे हैं, तो उन वर्ड्स को आप कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब आप किसी चीज़ को प्रॉपर पंक्चुएशन में या प्रॉपर नेम को आप पंक्चुएशन में यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई बुक ली है, आपने उस बुक का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा और उस बुक को आपने रेफ़र कर दिया कि ये जो सेंटेंस है फ्लाँ बुक से है, तो उस बुक के नेम को आपने इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटलाइज कर दिया, यानी उसको कैपिटल वर्ड में आपने डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद क्या जनरल गाइडलाइंस फॉर कैपिटलाइजिंग साइंटिफिक टर्म। साइंटिफिक टर्म में आप कैसे यूज़ करते हैं, जब आप कोई साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, प्लैनेट्स के नाम यूज़ कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन या कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी आप साइंटिफिक नोट में लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब आप किसी ऐसे जुमले को यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपने सन अर्थ यूज़ किया है, लेकिन वो जुमले में एक हेल्पिंग वर्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हो रहे हैं, या फिर वो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उससे जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं, यानी वो सन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सन को मतलब वो एक सपोर्टिव वर्ड के तौर पे सन उस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, या मून या अर्थ, तो उसमें आप उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसमें आप उस वर्ड को कैपिटलाइज करेंगे जिसका इम्पैक्ट सेंटेंस पे ज़्यादा पड़ा है, या जो सेंटेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि उन्होंने आपको यहाँ पे वेनस और अर्थ भी लिया हुआ है, जब उन्होंने ये दो प्लैनेट ले लिए तो जो सन है वो क्या हो गया, एक ऑर्डिनरी वर्ड हो गया, ठीक है, एक ऑर्डिनरी स्टार हो गया जो कि इस जो बाकी स्टार से कम इंपॉर्टेंट शो कर रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप उस वर्ड को आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बल्कि उन वर्ड्स को कैपिटलाइज करेंगे जिनकी अहमियत ज़्यादा हो गई है, जो सिग्निफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। उसके बाद क्या क्या मेडिकल टर्म में भी आप कैपिटलाइज या कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस उसमें कोई कंसिस्टिंग पार्ट या प्रॉपर नाउन यूज़ ना हो रहा हो, ठीक है, कोई कंसिस्टिंग टर्म कोई या फिर कोई प्रॉपर नाउन यूज़ ना हो रहा, तो तब तक आप उस मेडिकल की जो टर्म है या जो वर्ड्स हैं उनको आप कैपिटल वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद क्या इटैलिक्स। इटैलिक क्या होता है, एक लैंग्वेज का लिखने का एक स्टाइल होता है, जिसको हम उर्दू में अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको तिरछा एक्सप्लेन करेंगे, यानी तिरछी इबारत, जिसको आप तिरछे तरीके से अब लिखेंगे उसको आप क्या कहते हैं, इटैलिक्स, ठीक है। इटैलिक्स वर्ड्स क्या होते हैं, जब आपने किसी एक सेंटेंस में किसी चीज़ को आपने स्पेसिफिकली शो करवाना हो या उसको आपने इंपॉर्टेंस देनी हो, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उस चीज़ को इटैलिक वर्ड में डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है कि इटैलिक लैंग्वेज कैसी होती है या उसको कैसे लिखा जाता है। उसके बाद क्या लेटर वर्ड्स टर्म्स एंड इक्वेशन सिंबल्स दैट आर बीइंग हाईलाइटेड और फॉर डिस्कशन, ठीक है, कि वही बात की ऐसी टर्म्स लेटर या सिंबल्स या कोई भी चीज़ें जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जो आप डिस्कशन में इंपॉर्टेंट शो करना चाहते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप इटैलिक वे में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेन वर्ड है कोई, इस तरह का कोई वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है, कोई इक्वेशन है, कोई नोटेशन है, उसको आप इटैलिक वे में दिखा सकते हैं, या किसी वर्ड को आपने एम्फोसाइज करना हो उसको आप इटैलिक वर्ड में दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या नेम ऑफ स्पेसिफिक विसल्स, ठीक है, विसल्स वैसे तो किसी बर्तन को किसी चीज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश टर्म में क्या यूज़ होगा, जब आप किसी चीज़ का कोई मॉडल, कोई क्लास, कोई मैन्युफैक्चरर नेम, कोई फार्मूला, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम इस तरह दिखा रहे हैं, तो उसको भी आप क्या करते हैं, कैपिटल वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने मॉडल नंबर यूज़ किया, आपने देखा होगा कोई आप जब कोई मशीनरी लेते हैं तो उस पर जो मॉडल नंबर होता है वो पूरे सेंटेंस में इटैलिक वे में लिखा होता है, ठीक है, यानी उसको उन्होंने स्पेसिफिकली शो करवाया होता है। उसके बाद क्या एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन क्या होता है, किसी चीज़ को कंसाइज करके दिखाना, किसी चीज़ का मुखफ़ दिखाना, यानी किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म में शो करवाना, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन आपको दी गई हैं, जैसे आप मिस्टर या मिसेस या फिर बीए पीएचडी, इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको आप कैसे
एब्रीविएशन उनकी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ई डॉट जी यूज़ होता है, या डेट इज़ के लिए आई ई, ये सब एब्रीविएशन वर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, एक्रोनम्स, एक्रोनम्स भी एब्रीविएशन की ही एक टर्म है। इसको भी ये कहते हैं किसी चीज़ को कंसाइज करना, किसी चीज़ का मुखफ्फफ बयान करना, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं कि जैसे बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के नेम आजकल एक्रोनम स्टाइल में चल रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर की बहुत सारी टर्म होती हैं, ठीक है, जैसे आप वेबसाइट है या उसको उसकी छोटे छोटे नाम्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट के एंड पे HTML आता है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर वर्ड क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस तरह के मतलब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब एक्रोनम्स हैं, यानी कि आपके मुखफ्फफ हुए हुए वर्ड हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या, नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके, डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट गाइडलाइन के साथ नंबर्स को सेंटेंस में शो किया जाता है। जैसे एक टर्म साइंटिफिक टर्म होती है कॉर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे आप किसी राइटिंग को सिंपल देखते हैं, एक दो तीन तरीके से लिखा होता है, या फिर O-N-E-1-T-W-2 इस तरह से लिखा होता है। लेकिन ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जब आप उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स इस टर्म में लिखते हैं, तो वो आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो आपने कॉर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर की एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन, आपको बताया हुआ है कि फॉर्मेशन में नंबर को कैसे लिखते हैं, अगर नंबर लेस देन वन हो या ज़ीरो हो तो उसमें पॉइंट को कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये टर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के साथ। उसके बाद अगर ग्रुप्स में नंबर है तो आप उसको कैसे डिवाइड करके आप कॉमास या डेसिमल पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है यूरोपियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ नंबर, ठीक है, कि यूरोपियन और इंटरनेशनल स्टाइल में नंबर्स को कहाँ लिखा जाता है। इसमें पंक्चुएशन जो है टू और फोर डिजिट पंक्चुएशन और स्पेस के बगैर यूज होते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया कि कॉमा और डेसिमल पॉइंट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या, जनरल गाइडलाइन फॉर यूजिंग नंबर्स इन नॉन टेक्निकल प्रोस। नॉन टेक्निकल प्रोस में आप नंबर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने स्पेलिंग भी यूज़ किया, टेक्स्ट भी यूज़ किया, ठीक है, उसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है, जैसे 7300 हैं या फिर 173 आवर्स, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 900,000 इस टर्म में भी आप किसी वर्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनको आपने सेंटेंस की सेंस के मुताबिक यूज़ करना होता है। जब टर्म ज़्यादा होती है, जब आपके पास डिजिट्स ज़्यादा होते हैं, तो आपने उनको ग्रुप्स में बना के फिर आपने डेसिमल और पॉइंट या डेसिमल पॉइंट या फिर आपने पंक्चुएशन यूज़ करनी होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल में दिखाया हुआ है कि आपने सेंटर में से 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाना होता है, उसके बाद आपने बाकी जो टर्म है उसको आपने कॉमा या डेसिमल से सेपरेट कर देना होता है, ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, ये नई एग्जांपल समझ आ रही, तो आप खुद से भी गूगल से भी कोई भी ईजी सी एक एग्जांपल आप नंबर की आप कोड कर सकते हैं, कि जैसे एक बड़ा न्यूमेरिकल डाटा है तो आप उसको कैसे पंक्चुएशन और डेसिमल पॉइंट के साथ उसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, इन्यूमिरेशन। इन्यूमिरेशन क्या होता है, किसी चीज़ को शुमार करना, उसकी काउंटिंग करना, ठीक है, किसी को किसी चीज़ की गिनती करना। जैसे कोई एक बुक है, उसको चैप्टर, सेक्शन, पेजेस, नंबर्स, इक्वेशन, इन चीज़ों में डिवाइड करना, ठीक है। जैसे आप एक बुक आप तैयार करते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी लिस्ट देते हैं, अपेंडिक्स लिस्ट देते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बताया गया होता है कि आप ये कितनी लेंथी है, इसमें कितने पेज हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी सेक्शंस हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, आपके इन्यूमिरेशन एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या, चैप्टर, सेक्शन, इन्यूमिरेशन, ठीक है, कि आपने चैप्टर को कैसे सेक्शन के साथ डिवाइड किया या कैसे उसको आपने काउंट किया। उसमें क्या है कि आपको न्यूमेरिकल सिस्टम जो है वो ज़्यादा क्लियर होता है आपका अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम से, ठीक है। यानी आप न्यूमेरिकल वे में अगर आपने डाटा को लोकेट करेंगे, उसको अच्छे तरीके से प्लेस करेंगे डॉक्यूमेंट में, तो उससे क्या होगा कि उससे आपकी सेंस ज़्यादा क्लियर होती है। जैसे हमने लिखा होता है कि ये चैप्टर है बुक में, आपको एक बुक है उसमें से आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, आपको अपनी पसंद का चैप्टर न्यूमेरिकल वे में मिल जाएगा कि ये इस पेज पे ये चैप्टर दिया गया, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ वो नंबर देखेंगे और उस बुक का वो पेज नंबर आप निकाल लेंगे ईजीली, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेजिनेशन। पेजिनेशन भी क्या होता है कि आपने सफ़ाबंदी करनी होती है, यानी उन वर्ड्स को आपने डिफरेंट नंबर्स के साथ रोमन लैंग्वेज में या डॉक्यूमेंटेशन वर्ड्स में उसको आपने अरेंज करना होता है। जैसे आप पेज वन यूज़ करते हैं, गिनती के वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर आप रोमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आई की टर्म में होती है, यहाँ पे रोमन लैंग्वेज की उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है ब्रैकेट में, कि आप उन वर्ड से अपनी बुक को, अपनी बुक के पेजेस को आप कवर करते हैं, या फिर आप पेज वन, पेज टू इस तरह की लैंग्वेज में आप बुक और के जो पेजेस हैं उनको आप कवर करते हैं। उसके बाद क्या, टेबल्स एंड फिगर्स।
टेबल्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, वो आपके एक स्पेसिफिक टर्म होती है जो आपने अगर किसी चैप्टर में कोई टेबल यूज किया हुआ है या फिर आप कोई फिगर फैक्ट्स जो कर रहे हैं तो उनको भी आप स्पेसिफिक टर्म में यूज़ करवाते हैं, ठीक है। उनको भी आप इटैलिक वर्ड में या फिर कुछ डिफरेंट तरीके से शो करवाते हैं ताकि आपका वो स्पेसिफिक फिगर है जो टेबल है वो क्लियर हो जाए। जैसे आपने किसी चैप्टर में फर्स्ट टेबल को दिखाया तो आप क्या करेंगे कि आप उस चैप्टर नंबर 5 और उसमें आप टेबल को आप इटैलिक वर्ड में लिख देंगे, ठीक है, कि इसका टेबल नंबर 5-1 आप डिस्कस करें या 5.1 आप देखें तो आपको इस एग्जांपल की यह समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने कोई डाटा शो किया हुआ है, कोई रिसर्च वर्क शो किया हुआ है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें अगर आपने कोई मर्दमशुमारी का या कोई डाटा दिखाना है तो आप कहेंगे कि ये चैप्टर नंबर 5 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टेबल नंबर 5.1 को। तो जो टेबल नंबर 5.1 है उसको आप क्या करते हैं, डिफरेंट वे में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या सिंबल क्या होती हैं, अलामतें होती हैं। जैसे आप डिफरेंट अलामतें यूज़ करते हैं, कॉमा या फिर एलिमेंट्स आप यूज़ करते हैं अपनी कोटेशन को, इक्वेशन को हाईलाइट करने के लिए या उसको इम्पॉर्टेंट दिखाने के लिए, ठीक है। आप डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स भी किसी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी चीज़ को आपने फुली इंपॉर्टेंट शो करना है, कोई मैथमेटिकल टर्म यूज़ करनी है, कोई केमिकल रिएक्शन है, कुछ भी है, तो आप उसको सिंबल्स के साथ यूज़ करते हैं। किसी में आप पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, किसी में आप मार्क यूज़ करते हैं सिंबल के साथ उसको शो करते हैं, किसी में ब्रैकेट्स, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है इक्वेशंस, इक्वेशन क्या होती है मसावात। इक्वेशन की सिंपल सी डेफिनेशन आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इक्वेटिंग वन थिंग विद अनदर, यानी दो चीज़ों को एक दूसरे के इक्वल दिखाना, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। मैथमेटिकल और केमिकल रिएक्शन में आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको आप इक्वल के साइन के साथ आप शो करवाते हैं। उसके बाद क्या कि आप इक्वेशन की कोई मैथमेटिकल या फिर एक साइंटिफिक एग्जांपल आप माइंड में रख सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह से आप अगर साइंटिफिकली इक्वेशन को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे उसको राइट करेंगे, और अगर आप मैथमेटिकली यूज़ कर रहे हैं तो कैसे राइट करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या करते हैं कि किसी भी राइटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप कंप्यूटर में कोई राइटिंग, कोई डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं तो उसमें वर्ड प्रोसेस या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर दिखा देता है। लेकिन अगर आप हैंडआउट या फिर कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको खुद से कंसिस्ट रहना पड़ता है, खुद से ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल एरर आपका ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या कि आपको उन्होंने डिफरेंट वेज में दिखाया हुआ है कि ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सेकंड में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे कलर, लेबर और ऑर्डर की एग्जांपल है, तो वो अमेरिकन में उसकी स्पेलिंग क्या है और ब्रिटिश में उसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप इस एग्जांपल को ही कोट कर सकते हैं अगर आपको ये आए कि अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज में डिफरेंस को शो करें, ठीक है, तो आपको एक दो एग्जाम्पल्स इन वर्ड्स की आपको दिखानी होती है, या फिर इनका बोलने का स्टाइल चेंज होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो दो ऑप्शन देंगे कि आप अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन चाहते हैं या ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा इनके बोलने में भी। तो उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे आपको डिक्शनरीज़ के नाम दिए हैं कि अगर आप इन डिक्शनरीज़ को कंसल्ट करेंगे तो आपकी स्पेलिंग के रिलेटेड बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, रिजॉल्व कर सकते हैं आप उसको। जैसे डिक्शनरीज़ के नाम दिए हुए उन्होंने, डेस्क है, ESL है, या डिफरेंट डिक्शनरीज़ हैं, आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें आपको वो उसमें प्रॉब्लम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसकी एक एक डेफिनेशन देखें और एक एक एग्जाम्पल साथ में कोट कर लें तो आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।